हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशा। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। बहुत टाइम बाद भाई का गाना आया है। तो क्या बीच बीच में अपने ड्राफ्ट में जो रखा रहेगा ना एमसी स्टैंड ने, वो अपने उसकी टीम बराबर निकाल निकाल के ऐसा एक एक एडिट करके डाल रहे हैं, क्योंकि भाई अपने वो अंदर है ना, वो क्या नाम है क्या बोलते उसको, वो शो का बिग बॉस गाइस हम देखते नहीं, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है हम लोग बिग बॉस वगैरह देखते नहीं, बिल्कुल, और बहुत लोग नहीं देखते। जिनके पास टीवी देखने का टाइम है वही बिग टीवी लगा के देखते हैं, बिल्कुल। तो मैं तो देखता नहीं हूँ, बट हाँ मेरा भाई बहुत मचा रहा है, इसे समझ में आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स जो आती है इंस्टाग्राम में, हमारे पास आते रहते हैं यार भाई ये देखो वो देखो वो देखो, तो हम लोग जो पब्लिक हमको भेजती है डीएम्स में, तो वो देख लेते हैं। उसमें समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा मचा रहा है भाई, अच्छा जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। एग्जैक्टली, खुशी तभी होगी कि जीतेगा तो मजा आएगा यार, मतलब अपना बंदा कर रहा है करके, बाकी अच्छा तो अच्छी बात है। हाँ, तो मजा आ रहा है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा देख के जो कुछ अच्छी बातें करता है भाई तो मजा आता है। ये गाना एक मिनट का पता नहीं, एक मिनट का दिखा रहा है अभी, और 6 दिन पहले इसका प्रीमियर लगाया था। बोला चलो यार कुछ अच्छा गाना रहेगा, पर देखते एक मिनट में क्या पता है क्या नहीं, शायद दो बार सुनना पड़ेगा अपने को, तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखने का। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने की आपके साथ, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये गाना पहले सुन लेते, उसके बाद बीच में बात करते, बिल्कुल ठीक है। गाइस आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, बस नए हो तो चैनल को शेयर भी कर देना, तो नए पब्लिक को पता चलेगा। 1 मिलियन जल्दी से जल्दी गाइस, 1 मिलियन के पीछे भाग रहे अभी, ठीक है। तो आप, हमारा काम है काम करना, आपका काम है सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा, बिल्कुल। बाकी अगर काम अच्छा लगता है तो अभी देखते हैं, करोगे आप? चलो लगा दे सुशांत नया गाना एमसी स्टैंड का, इंसान से। अच्छा, ये वो लास्ट शो का ही फुटेज लिया है। ये फील तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मुंबई रहेगा, फील वैसे ही आ रहा है। गाना किधर है? अब गाना खत्म भी हो गया, गाना किधर है? चलो ठीक है, मतलब गाना भी खत्म हो गया, चलो वापस सुनते हैं एक बार, क्योंकि लिरिक्स तो मेरे को समझ में नहीं है, आपको पता है मतलब... क्योंकि आपको तो पता ही है, एमसी स्टैंड के गाने हम लोग तब से कर रहे हैं जब से हम लोग मतलब चैनल स्टार्ट किया या कर रहे हैं, तब जब से चालू किया तब से कर रहे हैं, तो पहले से रहे हैं, बट तो पहले रिव्यू करना अपन ने अभी चालू किया। बाकी लोग के अभी जो अभी पिछले पिछवाड़े में भाई चल रहा, तो आप चल रहे ना, बाकी अभी चल रहा, तो बराबर कर रहे हैं कुछ भी चैनल पे, उसके अर्निंग पे रिव्यू कर रहे, उसके बिग बॉस के कोई भी इस पे फुटेज निकाल के ये कर रहे। जब वो बंदा अपने गाने निकाल के अपने गाने YouTube पे डाल रहा था, तब आपने रिएक्शन ही बोलूंगा, रिव्यू तो नहीं करते नहीं हो, रिएक्शन क्यों नहीं किया उसको वो टाइम पे, प्रमोट क्यों नहीं किया? नहीं, अभी उनको सब्सक्राइबर मिलेगा, अभी सब्सक्राइबर मिलेंगे इसलिए आप कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे जब उस वो गाने निकाल के मेहनत कर रहा था, तब कहाँ पे थे आप लोग? अब उसके नाम पे बस आ गए व्यूज चोर ने, ये ऐसा हा? पब्लिक क्यों कर रही है बताए क्या? हाँ, क्योंकि तेरे को अगर देखना है तो इंसान पूरा एल्बम सुन तेरे को पता चलेगा। हाँ, ऐसा बताया पब्लिक उसने, नहीं क्या कि ऐसे लोग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गाना तो मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहली बात, छोड़। आप लोग जो इसके नाम पे जो कर रहे हो ना, पैसा भी कमा रहे हो क्योंकि बिना कॉपीराइट का कर रहे हो, बट एक बार स्ट्राइक बैठ गया, स्ट्राइक बैठेगा ना, समझ के लंबा। मैं आपको आपका दोस्त या भाई बोल के बोल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करो, नाम हो रहा है तो इसलिए मेहनत मतलब अभी करना जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग से ही करते थे ना, तो उसको भी अच्छा थोड़ा ये मिलता था, बिल्कुल ठीक है। अभी उसका नाम मतलब बिग बॉस में आ गया तो बस, अरे मैं तो फेक फैन बेस नहीं बोलते क्या, फेक, मैं फेक फैन, मैं फैन हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, फेक फैन है आप,
अगर आप उसके पहले से गाने रिव्यू नहीं कर रहे हो आप फेक हो। बस अभी वो बिग बॉस में आ गया इसलिए आप उसके रिएक्शन कर रहे हो, बैठ के हंस रहे हो बस। आपको, आप जैसे को मैं फेक फैन बोलता हूँ, बिल्कुल फेक फैन, योर फेक फैन, जिसको भी मिर्ची लगी होगी, जो भी देख रहे होंगे, ये रोस्ट किया या क्या किया मेरे को पता नहीं, बट हक से यार, मतलब अगर किसी को आर्टिस्ट को बुरा लगता है, अगर किसी को लग रहा है कि मतलब हम लोग कैसा है पता है क्या, हम लोग म्यूजिक के हम कॉपीराइट से डरते नहीं, इधर रिव्यू के रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिले, बिल्कुल, तो और जेन्युइन रहते म्यूजिक, इधर बाकी लोग जो कचरा कर रहे हैं ना, तो कोई नहीं, जिसको भी लग रहा है कि हम लोग उनके बारे में बोल रहे हैं तो हाँ उनके बारे में बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है तो मेरे को आई डोंट गिव अ फक। सो चलो वापस सुनते हैं, मेरे को समझा नहीं था तो देखते वापस और क्या बोला है वापस। यार वो जब मैंने कर रहा था ना म्यूजिक निकालते तब कोई नहीं था यार, हम लोग ही थे बस, कुछ कुछ हम हिप हॉप कम्युनिटी का हम ही लोग थे बस, रिव्यू करने वाले जो लोग रिव्यू का उनको एड्स ऑफ भाई तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं, अपन कोई भाई जरूरी नहीं अपने को कि वो बिग बॉस में आया था, अपन पहले से ही करते आ रहे हैं, अपन पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई को, ये अभी अभी ने नल्ले फैन नहीं जो बस अभी अभी बिग बॉस के फुटेजेस लेके क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसके इस पे मार दो जस्ट लाइक बिग बॉस। नहीं तो क्या, एक आर्टिस्ट को बुरा लगता है पता है, जब मेहनत करते ना तब आपको कुछ हमारी मेहनत नहीं दिखती, जब वो मेहनत कर रहा था तब उसका ये नहीं दिखा आपको, अब बिग बॉस में आ गया तो फटाफट उसके सब रिव्यू रिव्यू क्या बोलता हूँ रिएक्शन कर रहे, थोड़ा तो शर्म रखो यार, तो समझेगा नहीं उनको दिमाग, दिमाग के बाहर जाएगा। चलो कोई नहीं, मेरे को भी दिमाग से बाहर गया था क्या बोल रहे हैं, बाकी अभी सुनता हूँ मैं वापस, ठीक है एमसी स्टैंड मचाते रहे भाई, क्योंकि आपको पता है कि सब पब्लिक है आपके साथ, कोई टेंशन नहीं, हाँ क्योंकि ऐसे फेक फैन फैन नहीं है अपन, फेक लोग नहीं है अपन कि बस अभी बिग बॉस पे है तो बस वो कुछ भी फुटेज निकाल के कर दो या कुछ भी, और आप लोग देखते क्यों, आपको पता है रियल सपोर्टर्स कौन है उनके, जिसने ओरिजिनल बनाया उसका वीडियो जाके देखो, बेचारे ने मेहनत किया उस पर, सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप एमसी स्टैंड के फैन हो भाई, आप लोग रियल फैंस हो, तो जो म्यूजिक को पहले से रिव्यू कर रहे हैं ना उनको देखो, ये ऐसे नहीं कि बस उसके नाम पे अभी अभी आए और बस, पूरा चैनल देखो तो एमसी स्टैंड के ही वीडियोस दिख रहे, क्या कर रहे हो यार आप देख क्यों रहे हो उन लोगों को, ये बुरा लगता है जब आर्टिस्ट वो जब से मेहनत कर रहे हैं तब कोई नहीं था, अब बिग बॉस पे आया तो बस है मैं फैन हूं, मैं फैन, फेक फैन बोलते हैं उसको। चल लगा रे गाना लगा, चलो गाना देखते अभी, और बाकी भाई ने वो वाला एल्बम कुछ है एक दिन प्यार वाला, अरे तड़ी पार बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा इंसान निकला था उसमें, मंबल का जो थोड़ा सा सीन था तो हम लोगों ने सीधा बोल दिया था, आप लोग देख लो, आपको अगर इंसान का रिव्यू देखना है वो रिव्यू देख लो आपको पता चल जाएगा। चलो हाँ क्या बोल, हाँ थोड़ा ये गिटार विटार सैंपल्स अच्छे यूज किए है ना, गिटार सैंपल वगैरह अच्छे यूज किए, बाद में को याद मेरी बात मेरे आगे की बन गए कैसे क्या तुम लोग गए, कौन मेरे साथ में नहीं आता नहीं बात नहीं गात मेरे साथ मैंने देख ले सिंपल, अरे एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकने छु, इधर है ना लिरिक्स लिखी है, रुक क्या देखते यहां, ठीक है लिरिक्स है ठीक है ये देखते चल, तो अपन लिरिक्स देखते ठीक है, लिरिक्स पे ध्यान देते लड़की भी लिख देने क्या मालूम गाय को हक से मैं बोलूंगा तेरे मुंह पे, बात में को याद मेरी बात मेरे आगे की बन गए कैसे क्या तुम लोग गए, कौन मेरे साथ नहीं आता नहीं बात नहीं गात मेरे साथ मैंने देख ले सिंपल सी बात भी जी हूं अबे देखो ने समझा तो क्या बोलूं मैं, प्यार करूं तुझसे और क्यार करूं मैं तेरे लवर की चिंगड़ी तो बड़े बड़े ले, कुछ नहीं चलो गाने में कुछ नहीं मतलब चलो
चलो गाने के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, गाने के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं बात करने लायक, तो मैं कुछ ऐसा है नहीं कि बात करूंगा। इतने भाई के अपन ने इतने सारे गाने हमने रिव्यू किए तो जिसमें बात करने लायक है उसमें 1 मिलियन से ऊपर व्यूज है, आप देखो है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे हमने गाने किए और सब में रिव्यू, सब रिव्यू में काफी अच्छा, मतलब पब्लिक को अपना रिव्यू पसंद आया, तो ऑब्वियस अपन तब से कर रहे भाई को रिव्यू, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, अपन फेक फैंस नहीं बोलते, फेक नहीं करते अपन। अगर गाना पसंद नहीं आया तो सीधा बोल देते पसंद नहीं आया भाई गाना, फैन है तो वो अलग है, गाना पसंद नहीं आना रिव्यू जो करते वो अलग है। बिल्कुल, वो कोई कोई मीम्स भेज देते तो हम बकवास हुए जुड़वाज में जाके, क्योंकि पब्लिक का रिक्वेस्ट होता है, पब्लिक का, आप लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि भाई आप देखो, तो हम जाके वो बकवास विद जुड़वाद में करते, इधर नहीं करते, समझ रहे, क्योंकि उसका नाम ही बकवास विद जुड़वाद, उसका नाम ही बकवास विद जुड़वाद। मेरे भाई का अगर मेरे को करना है मैं देखता हूँ वहां पे, यहाँ पे म्यूजिक के अलावा अपन समझ रहे, फेक फैन नहीं बनते कि बस अभी कर रहा है तो। और बिल्कुल आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो ऐसे लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई आपका वो ये है, बट ये गाने के बारे में अगर बोलो कुछ बोलने लायक है नहीं तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी बस और भी गाने चाहिए भाई के। बिल्कुल यार, तो वैसे जैसे आप लोग ऐसा वाला शाना बन हो गया, शाना बन एक दिन प्यार हो गया, या तड़ी पार का पूरा एल्बम समझ लो, एकदम एक से एक गाने है उसमें, तो वैसा वेट कर रहे हैं। बाकी ऐसा तो ये तो गाना था ही नहीं, तो चालू होते ही खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, लिरिक्स भी कुछ समझा नहीं, मेरे क्या ही बोलेगा। म्यूजिक का स्टार्टिंग जो सैंपल गिटार विटार का सैंपल यूज किया, बहुत ही बेसिक है वो भी, ठीक है वो ठीक है, बहुत ही बेसिक है वो भी, तो मतलब ठीक है क्या, इसलिए गाने के बारे में नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी उधर बिग बॉस में मचा रहा है मचाए, मचाते रहो मस्त, और भाई को सपोर्ट हो जाए, बिल्कुल विनर तो हो जाए, मजा। बाकी जैसे भाई को सपोर्ट करते हो वैसे हमको भी सपोर्ट करते आ रहे हो, और वही आज आगे भी करते रहो, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, और एक ही चीज बोलता हूँ कि नए हो चाहे तो तुमको, नए हो तो चैनल को शेयर भी कर देना तो नए पब्लिक को पता चलेगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na